जी जी और जी हम लोग की जो वार्तालाप होती है ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है, और जी इसके पीछे मकसद ये रहता है कि जो हम बातचीत की एनर्जी है, क्या इससे जी देश का भला कर सकते हैं, क्या एक महापरिवर्तन को जमीन को उतार सकते हैं, ये उसका मकसद है। ठीक ओके आई जी होप के यू आर कंफर्टेबल विद दैट। जी जी ओके, ओके। अब आप अपना परिचय दें। हमारा नाम अरविंद कुमार दुबे है, जी जी मैं भदोही जिले का खेमापुर डी एक ब्लॉक का रहने वाला हूँ, और एक हमारा जो है विद्यालय भी चलता है गांव में ही, जी जी उसका नाम है जी वाई पब्लिक स्कूल। जी तो हम चाह रहे हैं कि आपसे एक बार मुलाकात हो जी और हमारे यहाँ आपका एक किसी एक दिन जो है प्रोग्राम हो। जरूर। इसमें इसको दो चरणों में कर लें क्या? एक जरूर एक अपन करें कि हम डिजिटली कर लें। डिजिटली जी का मतलब है कि एक बड़े से स्क्रीन पर प्रोजेक्टर लगाकर हम जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को जुड़ें, हाँ और मोबाइल को जो है आजकल प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं या टीवी पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और जी मोबाइल को ही घुमा के जो है ना बच्चे आपस में बात भी कर सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं और उन्हें जी जवाब भी मिलेगा। तो जी क्या इस तरीके का एक आध इंट्रक्शन पहले रख लें, जिससे कि फिर सेकंड श्रृंखला में हम फेस टू फेस पहुंचेंगे। उससे क्या है कि आवागमन में जो एनर्जी है वो बच जाएगी, और जो हम लोग बातचीत करेंगे ये रिकॉर्ड में रहेगी, और उससे जो ना लाभ हो पाएगा। और फिर इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं कि जो दूसरे कॉलेजेस हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे बातचीत करके वहाँ पर भी वैसा ही प्रोग्राम कर सकते हैं। जी आपको कृपा शंकर द्विवेदी जी ने क्या ये बताया है कि ये बहुत ही क्रांतिकारी काम है, जिससे कि पूरा देश बदल जाएगा, आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। क्या जी आपको ये बात कृपा शंकर जी ने बताई है, क्या आप इसे समझ पाए हैं? क्योंकि हाँ हाँ जी कल ही हमने एक घोषणा की है कि रोजगार गारंटी आपका फंडामेंटल राइट बन जाएगा, और इस मॉडल में इतनी ताकत है कि जो संसाधन है वो व्यवधान नहीं बनेंगे, क्योंकि जो भी एसेट हम लोगों की संयुक्त एनर्जी से, संयुक्त काम से पैदा होगी, उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी। लिहाजा हमारे काम में, समृद्धि में धन कहीं बाधा नहीं बनेगा। तो आज जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? जी हाँ आज आपके ऊपर कौन से नियम कानून हैं? वही हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे। उसमें आपका अपमान करना भी उनकी सोच का हिस्सा 1862 के ही था। और सभी है, थोड़ा सा आगे पीछे के, 1861 का पुलिस एक्ट है, 1860 की आईपीसी है, और अभी जो थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं उसमें इसकी आत्मा नहीं बदली गई है। नहीं, कॉस्मेटिक चेंज से काम नहीं चलेगा, आत्मा बदलना होगी। वो बदलना पड़ेगा। हमें जो है तीन तरीके के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड सिविल ऑफेंस। जी हमें इन तीनों का अंतर जो है मतभेद खत्म करना होगा। जी क्राइम फ्री भारत जो है पांच सर्टेनिटी के साथ एक पूरा मॉडल लेके आया है, जो कह होनी रहा है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, चाहिए और होनी कोई चाहिए। व्यक्ति यदि झूठी एफआईआर दर्ज करेगा या जो है झूठी गवाही देगा तो वो जेल में सड़ेगा। आज जो है झूठी रिपोर्ट करना, झूठी गवाही देके आदमी को प्रताड़ित करना एक रिवाज सा बन गया है। तो सभी दुष्लोग मिल जा रहे हैं, तो क्या हम ऐसा भारत जिसमें कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाए, झूठी एफआईआर दर्ज करने पे व्यक्ति जेल में सड़ जाए, उसकी जी संपत्ति जब्त हो जाए, दिन जी में ऐसे अकाट साक्ष्य का संग्रहण जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है वो संभव होगा, और फिर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना किसी दिक्कत के अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाए, आज जी आपको 30 सालों में भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो और एक उसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल चित्रगुप्त बनाया गया है,
और हर अपराधी की 360 की डिग्री की जानकारी उस डिजिटल चित्रगुप्त के पास होगी, और इसलिए आम जनता को एक फंडामेंटल राइट भी दिया जा रहा है, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। तो डिजिटल चित्रगुप्त का जो सीईओ है, यदि वो अवैधानिक तरीके से यदि एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेगा तो उसे 7 साल की सजा का प्रावधान है। यदि जी उसने 5 जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली तो 35 ईयर के लिए जेल में सड़ेगा। जी ऐसा ऐसा जो है फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। तो जी जी ऐसा अद्भुत भारत चाहिए या नहीं चाहिए? तो नहीं चाहिए कि हर युवा होना यदि चाहिए। जी, आपने शुभ नाम क्या बताया था? अरविंद कुमार दुबे। हाँ, अरविंद कुमार जी, मुझे ये बताइए, यदि ये महापरिवर्तित 25 लक्ष्यों का भारत जो है, यदि यदि जो है आपको प्लेट में परोस कर मात्र 9 दिन के साधारण उपाय से मिल जाए, और वो भी अभी, क्योंकि जी ये उपाय हमें 9 दिन का 2024 के चुनाव के पहले करना होगा, तभी जी हम वो महापरिवर्तन कर पाएंगे, हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर पाएंगे और संभवतः उन्हें 500 पार करा पाएंगे। क्या जी जी आप 9 दिन का वह साधारण उपाय समझना और करना चाहते हैं? जरूर ओके, तो उपाय बहुत साधारण है। हमें 9 दिन तक अपने से जुड़े लोगों को, अपने लोगों को जोड़ना है। यहाँ अपने का मतलब है अपने परिवार के लोग, यहाँ जी अपने का मतलब है अपने रिश्तेदार, जी यहाँ अपने का मतलब है अपने मित्र, यहाँ जी अपने का मतलब है अपने पड़ोसी, यहाँ जी अपने का मतलब है अपने आसपास के रहने वाले युवा साथी, यहाँ जी अपने का मतलब है अपने आसपास के बुजुर्ग साथी, यहाँ अपनों का मतलब है हम जिन संगठनों से भी बरसों से जुड़े रहे हैं उनके लोग। और जी ये साधारण सा 9 दिन का व्रत, 9 दिन का शपथ आपको 100 करोड़ तक पहुंचा देगा। मेरे ख्याल से ये 100 करोड़ की बात आपको आपने सुनी है, समझी है, या मैं एक बार समझाऊं आपको? नहीं, ये तो पहले से ही हम जान रहे हैं जान रहे हैं जी। तो क्या मल्टीप्लाई के थ्रू जो है जी मल्टीप्लाई के थ्रू, तो फिर भी सहूलियत के दृष्टि से जिससे जी हमारी बातचीत जो सुनेगा उसके लिए, यदि जी हम आज जो है 9 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो मैथिली शरण गुप्त मिला के और अरविंद द्विवेदी सहित मिला के 8 और लोग, टोटल 10 हो जाएंगे कि नहीं? जी हो जाएंगे और 10 लोग संकल्पित हैं, शपथकृत हैं, और वो 9 दिन तक एक साधारण उपाय करने वाले हैं जिसमें 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, सौ हो जाएंगे तीसरे दिन 1,000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़। सौ अब आप ये कहेंगे कि साहब, इन 100 करोड़ लोगों को जोड़ना ऐसा कोई हंसा हंसी खेल नहीं है, और आदमी बड़ा विचित्र प्राणी है, उसे मैथमेटिक्स के मल्टीप्लीकेशन से आप नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपको 21 लक्ष्यों के सहित महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, जिसमें के गुलामों के नियम कानून बदल रहे हैं, जो आज की लाठसाबी व्यवस्था है वो पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील हो रही है, 5 सर्टेनिटी के साथ धन की वर्षा करते हुए अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल रहा है, किसानों की आमदनी 5 गुना होते हुए उसे न केवल एक जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रही है, धन्यवाद। बल्कि बल्कि वह धन का जो है ना खाद्यान्न का मालिक भी बना रहता है, और जो आपके होलसेलर हैं, जो रिटेलर हैं, ये सब लोग फिर व्यापारी ना होके सर्विस प्रोवाइडर हो गए, वो एक जी लिंक हो गए खाद्यान्न को कंज्यूमर तक पहुंचाने का, और जी टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी कि कंज्यूमर कहाँ बैठा हुआ है, तो हाँ बनिया नहीं डिसाइड करेगा। आज बनिया डिसाइड करता है कि कहाँ हम जो है ना स्टोर करके, हॉर्डिंग करके, इसकी कीमत जो है ना दुगनी चौगनी बढ़ाकर कैसे हम अधिक से अधिक मुनाफा करेंगे, ये इस आधार पर बनिया डिसाइड करता है कि नहीं करता है। जी जी तो करता यदि खाद्यान्न का उसके खेत पे निकलने पर 1 MSP किसान को तत्काल मिल जाती है, और खाद्यान्न का मालिक वो ही बना रहता है, तो व्यापारी एक सर्विस प्रोवाइडर हो गया कि नहीं हो गया? जी हो गया उसे एक उसे अपनी पूंजी भी नहीं लगाना होगी, क्योंकि मालिक किसान है और वो उसे खरीद नहीं रहा है। तो जी फिर व्यापारी क्या कर रहा है, एक सर्विस दे रहा है, सर्विस सर्विस जिसके माध्यम से रिटेलर और कंज्यूमर तक पहुंचना है, राइट? जी तो जो भी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें सेवा शुल्क मिलेगा, और कंज्यूमर को 3 MSP में फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा। आज जो है कंज्यूमर को 3 MSP की बजाय 7 और 8 MSP में जो जो जितना
शोषित किया जा सकता है उसको उतना शोषण किया जा रहा है, राइट। तो अब जो 3 MSP कंज्यूमर से फाइनली मिल रहा है, 1 MSP किसान को पहले मिल गया है उसके अर्निंग अकाउंट में, जो 2 बचे हुए MSP हैं ये कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएंगे और सभी भुगतान उस कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से होंगे। इवन जो किसान के खेत पर मजदूर काम करने आएगा या जो वो मजदूर जो है अब सर्विस प्रोवाइडर बनेगा, उसे जो है ट्रेनिंग मिलेगी, टूल्स मिलेगी, वो आवागमन के साधन के साथ पहुंचेगा। टेक्नोलॉजी आप किसान को कहेगी कि फलाना फलाना व्यक्ति टीम आ रही है, कृपया उसे एक्सेस दें एंड उससे ठीक ढंग से पेश आए। क्यों? क्योंकि किसान को पैसे नहीं लग रहे हैं, उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट को पैसे लग रहे हैं। तो हम हर जो है भारतीय को सर्विस प्रोवाइडर बना पाएंगे, रोजगार की गारंटी दे पाएंगे और आपका रोजगार की गारंटी फंडामेंटल राइट हो जाएगा। जी। भारत का सबसे गरीब परिवार जो है, जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, वह है 25,000 रुपए प्रति व्यक्ति के मान से 4 लोग जो है 1 लाख रुपए प्रतिमाह कमा पाएंगे और उसे 50% का जो है पूरे इकोसिस्टम में रिवेट होगा, लिहाजा उस 1 लाख रुपए की क्रय शक्ति 2 लाख के बराबर होगी। जी। क्या ऐसा अद्भुत भारत चाहते हैं जहां पर खेतों में जो है 10 फिट गहरी खाई हो जाए, उसमें छेद वाली टाइल्स लग जाएं, उसके पानी के लेवल को मेंटेन किया जाए, जिसमें अक्वा जो है कल्चर किया जाएगा, आपके गांव का सेड बन जाए, सेड में जो है ना गायें पहुंच जाएं और इसमें से कोई भी भुगतान किसान को ना देना पड़े, ना उसे कोई ऋण लेना पड़े, उस सब का भुगतान जो है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से अपने आप हो जाए और फिर किसान की आमदनी 5 गुने से ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो ऐसा अद्भुत भारत यदि हमें मात्र 9 दिन के सरल उपाय से मिल सकता है तो हमें बिना 1 दिन गमाए क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्या अरविंद द्विवेदी जी आज से इसे चालू करेंगे? जी, शुरू कर देंगे आज से ही। अच्छा, क्या जो है अपने स्कूल में बल्कि बाकी स्कूलों में बाकी सब जगहों पर जाकर लोगों को जोड़ने में और इस 9 दिन के उपाय के तहत हमें 100 करोड़ होने में अरविंद द्विवेदी जी अपनी भूमिका निभाएंगे? जरूर। अब यदि आप 100 करोड़ 9 दिन के सरल उपाय से हो जाएंगे और हम छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात मानने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? जरूर। और यदि ऐसा करते हैं तो हम उन्हें 500 पार करा देंगे कि नहीं करा देंगे? जी, 500 पार हो जाएंगे। अब यदि हम ये मान लें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं सुनते हैं तो इस मॉडल में अल्टरनेट विकल्प भी छिपा हुआ है। कैसे? क्योंकि जो 100 करोड़ लोग हुए हैं इन्हें किसी ने तो जोड़ा है ना, अरविंद द्विवेदी जैसे लोगों ने इसमें प्रयास किया है कि नहीं किया है? हाँ या नहीं? यस, किया है। तो अब ऐसे 543 लोग जिन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत ज्यादा लोगों को जोड़ा है, यदि उन 543 की मेरिट लिस्ट ऐप के माध्यम से ऑटोमेटिकली बन जाएगी और जो है ऐसे 543 लोगों को उनके घर पर जो है सांसद का टिकट पहुंच जाए और फिर जो है ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर हर दिन शपथ लें और जिस दिन पोलिंग हो उस दिन उसको अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाएंगे, तो बिना 5 पैसे खर्च किए सामने वाले को टिकट मिल जाएगा और बिना 5 पैसे खर्च किए हमारे सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। और 45 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा उसी क्राइटेरियन के तहत वो जो है ना मंत्री बन जाएंगे। आज बताइए, क्या आपको कोई सांसद का टिकट देने के लिए तैयार होगा? नहीं, कोई नहीं तैयार होगा। कोई नहीं तैयार होगा, और यदि देगा भी तो आपसे करोड़ों रुपए की अपेक्षा करेगा और फिर चाहेगा कि चुनाव में भी आप करोड़ों रुपए खर्च करें। जी, है कि नहीं? तो इस अल्टरनेट मॉडल के तहत यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते हैं तब भी मैथिली शरण गुप्त अपने 543 साथियों के साथ पार्लियामेंट में पहुंचकर जो प्रार्थना वो माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, जिसके टेक्नोलॉजी और मॉडल्स मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वो सब चीजें जमीन पर उतर जाएंगी कि नहीं उतर जाएंगी? उतर जाएंगी। इसमें कोई संदेह है क्या? कोई संदेह नहीं है। तो फिर क्या हमें अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए 9 दिन का ये सरल उपाय नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कि व्यक्तिगत रूप में भी पहुंचते रहेंगे लेकिन समय बहुत क्रिटिकल है,
यदि हम जो है दिन में चार चार पांच पांच इस तरीके की संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ें और बच्चों के माध्यम से माता पिता को जोड़ें और माता पिता के माध्यम से बच्चों को जोड़ें, उनके रिश्तेदारों को जोड़ें, तो ये काम जो है 9 दिन की बजाय 5 दिन में हो जाएगा। देखिए, क्राइम फ्री भारत में से अभी ऑलरेडी लगभग 15,000 लोग जुड़े हुए हैं, राइट। यदि वो जो है शपथ के तहत 10-10 लोगों को जोड़ें तो आज हम 1.5 लाख हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। दूसरे दिन हम 15 लाख हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तीसरे दिन हम 1.5 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जाएंगे। चौथे दिन हम 15 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जाएंगे। आ? और छठवें दिन हम जो है चौथे दिन नहीं पांचवें दिन हम जो है कितने हो जाएंगे? 1.5 करोड़, 150 करोड़, राइट। और 150 करोड़ की जगह नहीं है, इसका मतलब है कम से कम 100 करोड़ को तो हम पांचवें दिन पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सुप्त पड़े हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना शपथ लेके लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं। तो क्या अरविंद द्विवेदी जी आज आप आज ही शपथ लेंगे और आज से जोड़ेंगे, जिससे 9 दिन बाद हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ स्ट्रेंथन करने की स्थिति में आएंगे और वो जो है ना खुद चल के हमारी बात को मानने के लिए बेबस होंगे और हम उन्हें 500 पार करा देंगे? यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे तो मैथिली शरण गुप्त अपने 543 साथियों को बिना पैसे खर्च किए चुनाव भी जिता देंगे और पार्लियामेंट में जाकर हम वो सब बदलाव कर देंगे जिसकी प्रार्थना हम रोज माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं। जी जी। तो अरविंद द्विवेदी जी, आप इस प्रार्थना में, इस काम में, अपने बच्चों को अद्भुत भारत देने में क्या मैथिली शरण गुप्त के साथ हैं? हैं हैं हैं। क्या ये काम हम आज से ही प्रारंभ कर पाएंगे? आज से नहीं, अभी से। बहुत सुंदर। तो अरविंद द्विवेदी जी, आपकी मदद के लिए पूरी प्रक्रिया, पूरी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। यदि आपके पास समय हो तो अब मैं उसके बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। ठीक है, बताऊं आपको? तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। ये गूगल प्ले स्टोर में जैसे अपन ने व्हाट्सएप को डाउनलोड किया है, ऐसे ही टेलीग्राम ऐप को आपको डाउनलोड करना है। जी। आप टेलीग्राम ऐप का यूज करते हैं क्या? नहीं करते। नहीं, नहीं करते हैं। तो आप अभी जो है जैसे ही हमारी वार्तालाप खत्म होती है या स्पीकर फोन पर लेते हुए बातचीत करते करते ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उससे टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है ना? इसके बाद दूसरा काम आपको करना है, हमारे जितने भी मैसेज जा रहे हैं उसमें हम साथ में एक लिंक दे रहे हैं और उस लिंक जो है वो लिंक है टेलीग्राम ऐप में अपराध मुक्त भारत मिशन के मेन ग्रुप से जुड़ने की। तो जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू ज्वाइन क्राइम फ्री भारत मेन ग्रुप, तो आप उसको ज्वाइन करने वाला को क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना? तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत टेलीग्राम मेन ग्रुप में जुड़ जाएंगे अपराध मुक्त भारत मिशन के, राइट। अब उसमें पूरे उसको 8 जो है टॉपिक में बांटा गया है। पहले 3 टॉपिक जो है वो निर्धारित काम के लिए हैं। पहला टॉपिक है प्रेसिडेंट पोस्ट, जिसमें हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, जैसे कल तक आपकी हमारी जो बातचीत है ये भी प्रेसिडेंट पोस्ट में पहुंच जाएगी, समझ गए? अब आप भी पोस्ट वैसी बना के, वैसा वीडियो बना के आप भेज सकते हैं जिसे आपको मेंबर पोस्ट में आप डाल पाएंगे, ठीक है ना? जी जी जी। जिन लोगों को आप खड़ा करके शपथ दिला रहे हैं वो शपथ को बड़ा क्लिष्ट नहीं करना है, साधारण सी शपथ का हमें वीडियो बनाना है, ठीक है ना? जी। तो शपथ क्या हो कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने बच्चों को 21 लक्ष्यों सहित अच्छा भारत देने के लिए 9 दिन के सरल प्रोग्राम के तहत प्रतिदिन 10 लोगों को शपथ कृत कर संकल्पित करके जोड़ूंगा, बस यही शपथ है जी। और जिन लोगों को जोड़ रहे हैं, संकल्पित कर रहे हैं, शपथ कर रहे हैं, शपथ कृत कर रहे हैं, उनको याद दिलाऊंगा जिससे वो अभी जैसे हमारे 15,000 लोग जो सोए पड़े हुए हैं वो सोए ना, क्योंकि 9 दिन के अवधि में यदि हम अभी कर लेंगे तो इसी 2024 के चुनाव में हम अपने बच्चों को महापरिवर्तित भारत दे पाएंगे जिसमें रोजगार की गारंटी उनके फंडामेंटल राइट होगा, जहां धन की कमी आड़े नहीं आएगी, जहां पर भारत सरकार को मैथिली शरण गुप्त 2 मॉडल के तहत 20 गुना ज्यादा धनराशि दे रहे हैं। इसलिए मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि साहब सभी तरीके के टैक्स विलोपित होना चाहिए। जब हम आपको 20 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो फिर टैक्स क्यों लेंगे आप हमसे, ठीक है ना? तो उसमें हम कह रहे हैं कि 2025 में सभी टैक्स की स्लैब्स 50% कर दी जाएगी,
2026 में 25%, 2027 में 10% और 2028 में 5% एंड 2029 से देश जो है पूरी तरह से टैक्स मुक्त होगा। कितनी अच्छी बात होगी। भारत में हर व्यक्ति के दो अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। अब अरविंद द्विवेदी जी ने एक स्कूल चलाया, उसके लिए कुछ कुछ वहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजें कर दी, उनके पास जितना भी पैसा था वो खत्म हो गया जी। तब अब आपको पैसे की जरूरत है, आप चेक काटेंगे या ट्रांजेक्शन शेड्यूल करेंगे तो वो डिसऑनर नहीं होगा। आपके ही कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट से उतना पैसा ऑटो स्वाप होके आपके अर्निंग अकाउंट में आ जाएगा और आपका चेक क्लियर हो जाएगा। जब आपके अर्निंग अकाउंट में आसान आएगा पैसा तो आसान किस्तों में कट जाएगा जी। अच्छा, अब आप एक चीज ये भी सोचिए कि किसी कारण से आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं आ पा रहा है, राइट? तो जो इनकम टैक्स पर और इन सबके जो लोग फ्री हो जाएंगे अभी क्या काम करेंगे, तो इनको एक सपोर्ट ग्रुप में कन्वर्ट किया जाएगा, उनको रिट्रेन करके यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ पा रहा है तो सिस्टम इनको बताएगा कि जो है ना अरविंद द्विवेदी के जी के पास जाइए, उन्हें कुछ दिक्कत है। और फिर जो है जो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जैसे व्यक्ति आपको फोन लगा के कहेंगे अरविंद द्विवेदी जी मुझे आपसे कुछ चर्चा करना है, आप मुझे कब समय देंगे जी। मतलब आपको नोटिस दे के ये नहीं कहेंगे मेरे कार्यालय में आओ, नहीं, उल्टा जो है वो आपके पास पहुंचेंगे और आपसे बैठ के विस्तार में समझेंगे कि क्या आपकी दिक्कत है। और आपकी कोई भी दिक्कत हो, चाहे टेक्नोलॉजी की हो, चाहे रॉ मटेरियल की हो, या जो भी हो, उसको की पूर्ति करना इस जो है सपोर्ट ग्रुप की जिम्मेवारी है। धन की कमी है नहीं, आदमियों की कमी है नहीं, ट्रेनिंग की कमी है नहीं, टूल्स की कमी है नहीं, लिहाजा एक महापरिवर्तित समर्थ भारत होगा जहां पर शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट चार या पांच चीजों पर जो है ना भारत सरकार सबसे ज्यादा खर्च करेगी, बाकी चीजों पर उसे खर्च ही नहीं करना पड़ेगा। पहला उसे खर्च करना होगा किस बात के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पे भी होगा लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, चौथा जो है एजुकेशन और पांचवा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन पांच चीजों पे ही सरकार का पूरा पैसा खर्च होगा। और सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। धन की कमी इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है वो कुछ ना कुछ एसेट जनरेट कर रही है, जिस जो एसेट जनरेट होगी उतना जो है भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी। मतलब आपने जितना काम किया उतना पैसा जनरेट हो गया, तो आपको पैसा कभी कमी पड़ेगी क्या? नहीं। अब ये बात जो है वर्तमान के दुष्ट लोग नहीं समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी जो है पैसे की कमी को निर्मित करके आपको दोहन करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। बताइए कितनी आसानी से हम महापरिवर्तित भारत को जमीन पे उतार पाएंगे? जी 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 नहीं, हाँ या नहीं? हाँ। तो अब बताइए, आप मेन ग्रुप ऑफ टेलीग्राम में जुड़ गए हैं, अब उसमें तो इसमें जो तीसरा ग्रुप है जनरल वाला, इसमें लोगों को के साथ बैठ के वीडियो देखना है, जो लोग सहमत हो रहे हैं उनको शपथ कराना है, जो सहमत नहीं हो रहे हैं उनसे उनका क्वेश्चन पूछना है, उसका जवाब आपको नहीं देना है, उसको रिकॉर्ड करके मेन ग्रुप वाले इसमें जनरल टॉपिक जो है उसमें इसको पोस्ट कर दीजिए और जनरल के उसको देखकर हम उसका जवाब बना के भेजेंगे। यदि सामने वाला व्यक्ति को माकूल जवाब मिल गया और फिर वो शपथ लेना है चाहता है तो ले ले, यदि वो फिर भी संतुष्ट नहीं है तो उसे उसके भाग पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना? अब जो है उसमें नेक्स्ट टॉपिक है कि डाउनलोड क्राइम फ्री भारत ऐप, एम्पावर्ड बाय द कुटुंब ऐप, तो उसको क्लिक करिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से जितने लोग भी आपसे जुड़े होंगे उनको आप क्लिक ऑफ बटन में जो है सबसे शेयर कर पाएंगे और लोगों को जोड़ पाएंगे। इसी मुख्य ग्रुप में, मेन ग्रुप में एक वीडियो मीटिंग के लिए भी लिंक दी गई है, राइट? जी। तो वो वीडियो मीटिंग के लिंक के माध्यम से आप आपस में भी चर्चा कर पाएंगे और अपने प्रेसिडेंट मैथिली शरण गुप्त से भी चर्चा कर पाएंगे, ठीक है ना? तो दूसरी चीज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर ली, और स्क्रीन रिकॉर्डर एक आता है वो आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है, नहीं तो हम उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, वीडियो बात करेंगे, उसे स्क्रीन रिकॉर्डर से यदि आप रिकॉर्ड कर लेंगे और उसे यदि जनरल में ही भेज देंगे तो हम उसे क्राइम फ्री भारत उस पर अपलोड कर देंगे,
तो अभी हमने दो मॉडस ऑपरेंडी कवर कर ली, एक कवर की है सोशल मीडिया की, दूसरा कवर किया है जो दूर पे लोग हैं उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना। जब आप हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा रहे होंगे तो वो भी इसी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड की जाएगी जी। ये बात, इज इट क्लियर? ओके। अब जो तीसरी चीज है फेस टू फेस मीटिंग, तो अपने से जुड़े लोगों के बीच में पहुंचना है और फेस टू फेस मीटिंग करना है, और उस फेस टू फेस मीटिंग में आपको नहीं समझाना है। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल जो कि इसी टॉपिक है उसमें, उसको आप खोल के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो रोज सुनिए, और जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको डाउनलोड करके साथ में बैठ के सुनिए। जो लोग सहमत होते जाएं उनको शपथ कराइए, और शपथ का वीडियो रिकॉर्ड करके इसी जनरल वाले टॉपिक पे भेज दीजिए, और जो नहीं सहमत हो उनका प्रश्न पूछने वाला वीडियो है उसको भी भेज दीजिए। तो बताइए, यदि हम इन तीन चीज़ों के माध्यम से प्रयास करेंगे तो 9 दिन से भी कम समय में हम 100 करोड़ लोगों को जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे? जी, जोड़ पाएंगे। तो क्या मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आज ही इस कार्यक्रम में चलें और अपना जो है मोबाइल नंबर से जितने भी इनसे कृपा शंकर द्विवेदी जी को कहिए कि अभी जितने लोगों में से भी उन्होंने मेरी बात कराई है उन सबके नंबर मुझे भेज दें, मैं उनको सेव कर लूंगा और उनको जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ओके। आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके यदि जेहन में कोई प्रश्न उठ रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मैं ये मानूं कि अरविंद द्विवेदी जी हमारे साथ हैं और 9 दिन में हम इस साधारण उपाय के तहत एक महापरिवर्तित भारत पैदा कर पाएंगे, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करते हुए हम 500 को पार करा सकेंगे, और यदि वो नहीं मानेंगे तो अल्टरनेट व्यवस्था के तहत मैथिली शरण गुप्त अपने 543 साथियों के साथ पहुंचकर वही कर देंगे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया है। जी जी जी। तो अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम दें। जी चलिए, आप अपने साथियों को कोई संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है और कल अपलोड भी होगा, तो क्या आप अपने साथियों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि पूरे समाज को जो है समृद्ध बनाएं, पारदर्शिता लाएं और समृद्ध जो है भारत हो, और इसके लिए 9 दिन का सरल उपाय करें, क्योंकि इसी के माध्यम से ये सब संभव होगा। बहुत सुंदर बात कही आपने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।